वेलकम बैक। सो 40 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने कहा था कि डोंट वरी, गवर्नमेंट कैन नॉट प्राइवेटाइज बैंक्स। तो कुछ लोग तो खुश हुए थे जो सरकारी बैंक के कर्मचारी, उन लोगों को लगा था कि कुछ अच्छी सी न्यूज़ है। काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा कि देयर इज़ पॉलिटिकल विल, लीडर्स के नाम लिए गए, 370 का एग्जाम्पल दिया गया, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, एक साल से बैठे हैं, काफ़ी चीज़ें बताई गई। बट उस समय में मेरा लॉजिक सिंपल था, आज भी मेरा लॉजिक सिंपल है। कोई कितना भी स्ट्रांग हो, सबको एक चीज़ का डर लगता है कि हर हर 5 साल में इनको वापस चुन के आना है। अगर आप इनको वापस 5 साल का रिन्यूएशन नहीं देंगे ना, तो ये आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस चीज़ को समझो कि टेक्निकली इस दुनिया में हर इंसान के पास जीने के लिए सिर्फ 2 मिनट है, और हर बार आप सांस लेते हो ना, तो उस काउंटर को आप रीसेट करते रहते हो, नोइंगली अननोइंगली ही, रोज़ 24 घंटे सातों दिन आप ये काम करते हो, 365 दिन। ठीक इसी तरह एक पॉलिटिशियन की ज़िंदगी भी इस चीज़ पर अटकी है कि वो कितनी बार चुन कर आता है। उत्तर प्रदेश चुनाव मैंने बोला था, परफेक्टली बोला था, उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत बड़ा फैक्टर होगा और हुआ। जिन किसानों के बारे में बात कही गई कि किसान बिल वापस नहीं हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव आते ही बिल वापस हो गए। अभी तो 2022 है, 2023 में भी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है। ऐसे देश के अंदर आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, तभी ये देश चल रहा है। आपके मेरे यूट्यूब चलाने से या जियो के फ्री इंटरनेट से देश नहीं चल रहा, ठीक है। कोई ना कोई आदमी सुबह उठ के अपनी परेशानियों को साइड में रख के ऑफिस में काम करने जाता है देश के लिए, तो देश चल रहा है। चलो, एक CEL एक कंपनी बेच दी थी इन्होंने, ये अपने क्या ही बोले, मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेच दी थी इन्होंने 210 करोड़ में। और कंपनी क्या थी ये, और मैं तो क्या ही बोलूँ यार, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होता मैं कुछ बोलता हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि कोई सॉलिड कंक्रीट प्रूफ नहीं दे पाया मैं बात के बारे में। बट सच्चाई ये है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या जो लेसर नोन कंपनीज़ हैं, उनको औने पौने दाम में अपने दोस्तों को बेचा जा रहा है, ये फैक्ट है। और ये जब फैक्ट सामने आ गया, जब कांग्रेस ने इस चीज़ को प्रमुखता से उठाया, काफ़ी लोगों ने इस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस पर सवाल उठाए, और एंड में आज जब एसोसिएशन, जो यूनियन का, एम्प्लॉयज़ का यूनियन है, वो कोर्ट पहुंच गया, तो कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया है कि आपने 210 करोड़ में सिर्फ 10 लोगों वाली कंपनी को, इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनी को कैसे बेच दिया। ये कोई लॉस मेकिंग की बात नहीं है, ये बात है देश की स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस की। उससे भी बड़ी बात है कि जो केंद्र सरकार की ज़मीन थी, उसका अगर आप सर्कल रेट ही निकालो तो 450 करोड़ आ रहा है, और सर्कल रेट से भी आपने नीचे में बेच दिया। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, इंडिया में क्या होता है, बहुत लोगों को पता नहीं है ज़मीनें कैसे खरीदी बेची जाती है, बहुतों को नहीं पता, बहुतों को पता है। सपोज़ कीजिए आप 1 करोड़ का अगर फ्लैट खरीद रहे हैं, मान लीजिए 1 करोड़ का फ्लैट खरीद रहे हैं, फ्लैट छोड़िए ज़मीन खरीद रहे हैं, तो उसमें जनरली कुछ पैसा ब्लैक होता है, कुछ व्हाइट होता है, 60-40 का एवरेज पकड़ते हैं। मान लीजिए 60-40 में ये होता है कि 60 आपको कैश दे, मतलब पक्के में ले लेते हैं, 40 जो आपको कच्चे में देना पड़ता है, ये प्रैक्टिस है, सबको पता है, इसके इस पर मेरे पे FIR नहीं हो सकती। अब सिचुएशन ये आती है कि जब 60 लाख की आप रजिस्ट्री करा रहे हो, 1000 वर्ग गज का मतलब मान लीजिए आपका प्लॉट है, तो सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ समय के बाद ये चेक करेगा कि उसकी सर्कल रेट क्या थी, क्या आपने सर्कल रेट से नीचे पे रजिस्ट्री करा ली है। एक्चुअली जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, उसको बचाने के लिए लोग कम से कम रेट पर सब्सिडी, वो रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, क्योंकि इस पर सब वो लगती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अब रजिस्ट्री अगर उससे कम रेट पे होती है ना, तो आपको जो डिफरेंस अमाउंट होता है, उसका पेनल्टी निकल सकता है कभी भी, ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये पेनल्टी कभी भी निकाल सकता है। जब एक आम आदमी सर्कल रेट से नीचे की रेट पर रजिस्ट्री नहीं करा सकता, तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की खाली ज़मीन, उसकी ब्रांड वैल्यू की या उसकी इंटेंजिबल असेट्स की तो बात ही नहीं कर रहा, उसकी एक्सपर्टीज़ की, उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज की तो बात ही नहीं है। सिर्फ ज़मीन अगर 450 करोड़ की थी सर्कल रेट के हिसाब से, तो 210 करोड़ में एक ऐसी कुछ सी कंपनी को कैसे दे दी जिसका खुद का NCLT का केस चल रहा है। कहीं ना कहीं फ्लॉ है ना ये फ्लॉ। लोग तो बोलेंगे टैक्स के पैसे पे पल रहा है सरकारी सेक्टर, या कोई काम नहीं करना चाहता, लंच कर रहे हैं। कोई काम वाम की बात नहीं है, लंच वंच की बात नहीं है, सब आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। पहले होता होगा किसी ज़माने में कि लोग चाय पीने चले जाते थे, या 3 बजे के बाद ऑफिस नहीं आते थे, या लंच टाइम लंबा चलता था, अटेंडेंस होती है घुसते समय ऑफिस में, अटेंडेंस होती है बाहर जाते समय, सैलरी की स्क्रूटनी होती है, मोबाइल पर मैसेजेस आते हैं, बहुत चीज़ें अपडेट करनी पड़ती है लाइव रियल टाइम में। सो इन चीज़ों में आप ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट लेके चलते हो ना, इसको छोड़ दो। और मेरा या मेरे घर वालों की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, ये आम जनता के टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी बिक रही है, और उन लोगों के हाथ बिक रही है जिनकी ईमानदारी पर डाउट है, उनके केस चल रहे हैं NCLT पे। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ऐसे स्टे नहीं देता। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिट का प्राइवेटाइजेशन अगर रुका है, तो भारत सरकार ने नहीं रोका, ये कोर्ट ने उनसे सवाल पूछ लिया, इसके लिए रोका गया। और बाकी इनकी तो आदत है बैकफुट पर जाने की, फॉरन प्रोटेस्ट वापस हो गया, उत्तर प्रदेश चुनाव में हरा, उसके बाद तो देखो पेट्रोल भी 25 रुपये सस्ता होगा। बाकी आपका अपना डिसीजन है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, पॉलिटिक्स आपका खेल है, आप अपनी समझ से हिसाब से वोट दीजिए। बट मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि पावर करप्ट्स, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली।
बाकी जय हिंद।